हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट होम। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 13 सॉइल फ्रॉम योर साइंस नोटबुक। ठीक है, इसको समझने से पहले आप ये पूरा कॉपी वर्क अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, अच्छी राइटिंग में। और जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप अपनी कॉपीज़ को अपने सामने ओपन करके रखेंगे और लाइन टू लाइन उसे साथ के साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के कॉपी वर्क में क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, 5 कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, जैसे कि आपको पहले से पता है कि कीवर्ड्स के जो क्वेश्चन है, ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं ये क्या है, ये क्वेश्चन है, और जो ब्लू पेन से लिखा है वो क्या है, आंसर है। ठीक है, वन वर्ड में आंसर देना है। तो हम इसको समझेंगे क्या लिखा है। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है द लेयर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो सॉइल की लेयर्स होती हैं, परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इस सॉलिड लेयर ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक की जो सॉलिड लेयर होती है, यानी कि जो बहुत ठोस परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, थर्ड टिनी स्टोन्स। ठीक है, जो छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल। क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ टॉल मड वॉल्स एट द साइड्स ऑफ द रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के, नदियों के साइड में जो हम मिट्टी की ऊंची दीवारें बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बर्न्स बोलते हैं। ठीक है, BUNDS, बर्न्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट कीवर्ड है आपका फर्टाइल सॉइल मेड अप ऑफ ह्यूमस एंड क्ले एंड सैंड। ठीक है, वो उपजाऊ मिट्टी जो किससे मिलकर के बनी है, ह्यूमस से, क्ले से और सैंड से। उस उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या होता है, लोम होता है। ठीक है, मैंने बुक वर्क के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ये किस में यूज़ की जाती है, एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आपके 5 कीवर्ड्स थे, ये अब ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डिफाइन। आपके कितने डिफाइन है, 2 डिफाइन है। जो थर्ड डिफाइन है ये कट है, ये आपको नोटबुक में भी नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा डिफाइन है वो क्या है, टेरेस फार्मिंग। इसको पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है इसमें, द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग स्टेप्स और टेरेसेस इन फार्म्स ऑन द हिल स्लोप्स। ठीक है, वो तरीका जब हम क्या करते हैं, हिल स्लोप्स पे, पहाड़ों पे या पहाड़ी पे हम क्या करते हैं, स्टेप्स यानी कि छोटे छोटे जीने या टेरेस काट देते हैं, क्या करने के लिए, उसका फार्म बनाने के लिए। ठीक है, खेत बनाने के लिए, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग स्टेप्स और टेरेसेस इन फार्म्स ऑन द हिल स्लोप्स इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल को, मिट्टी का बचाव कैसे होता है या मिट्टी का बचाव क्या होता है, इसका आंसर क्या है, यूज़ ऑफ वेरियस मेथड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बहुत सारे तरीकों का उपयोग करना, क्या करने के लिए, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, यानी कि मिट्टी का कटाव होने से रोकने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ वेरियस मेथड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो आपका थर्ड पॉइंट लिखा है, सॉइल इरोजन, ये कट है, ये आपको नोटबुक में भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपके कीवर्ड्स 5 थे, डिफाइन 2 थे, ये दोनों हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, जिसमें आपका पहला क्या है, व्हाट इज़ सॉइल, सॉइल क्या होती है, यानी कि मिट्टी क्या होती है। तो इसका आंसर क्या है, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर रॉक्स एंड मिनरल्स इज़ सॉइल। ठीक है, ऐसा मिक्सचर किस चीज़ का, रॉक्स और मिनरल्स के, पाउडर का, यानी कि रॉक्स और मिनरल्स क्या है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और क्या बन जाती है, पाउडर बन जाती है। तो वो किस चीज़ की संरचना होती है, सॉइल की, यानी कि वो क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ सॉइल फॉर्म, जो सॉइल है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ नेचर, ये किस वजह से बनती है, प्रकृति के फोर्सेस की वजह से, विच ग्राउंड द रॉक्स इनटू पाउडर, जो रॉक्स वो पत्थरों को किस में बदल देती है, पाउडर में बदल देती है। ठीक है, इस तरीके से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, सॉइल की, तो दिस इज़ हाउ द सॉइल इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स क्या होती है। तो हमारे पास सॉइल की 5 डिफरेंट लेयर्स होती है, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, ओ होरिजन एंड आर होरिजन। ठीक है, जो लेयर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन्स बोलते हैं, अभी हमने ऊपर कीवर्ड में पढ़ा है। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल के मेन टाइप्स पार्टिकल क्या होते हैं, यानी कि सॉइल क्या है मेन, क्या क्या सॉइल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्ले, सैंड एंड लोम आर थ्री मेन टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, सॉइल के तीन मेन पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, क्ले, सैंड एंड लोम, जिसमें से लोम क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, हमारा लास्ट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फॉर्म सॉइल, सॉइल को बनने में कितना टाइम लगता है। तो इसका आंसर क्या है, 500 ईयर्स और मोर। ठीक है, सॉइल को बनने में कितना टाइम लगता है, 500 ईयर्स, यानी कि 500 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, लास्ट है हमारा क्वेश्चन ही, जिसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को कम करना और रोकना ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर पढ़ेंगे, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, सो दैट इट डज़ नॉट मेक द लैंड बैरन, ताकि वो जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है वो बंजर ना हो जाए। बंजर का मतलब जिस पे कोई भी खेती या कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। तो ऐसा ना हो, मिट्टी को बचाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बचाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम सॉइल इरोजन को रिड्यूस करें और कंट्रोल करें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी थ्री मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल को कंजर्व करने के कोई तीन तरीके के नाम बताने हैं हमें, तो क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट एफॉरेस्टेशन यानी कि हम पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिसिंग विंड ब्रेक, हम विंड ब्रेक लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड ब्रेक मैंने क्लास में भी समझाया था कि हमें फार्मिंग कैसे करनी है, इन रोज करनी है। ठीक है, और थर्ड क्या है, बाय डूइंग टेरिस फार्मिंग, और हम टेरिस फार्मिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हिल स्लोप्स पे हम स्टेप्स को कट करके टेरिस फार्मिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप ये वीडियो सुनेंगे तब आप अपनी नोटबुक्स ओपन रखेंगे और लाइन टू लाइन वीडियोज़ के साथ साथ अपनी कॉपी में से भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।